इंडियन आर्मी अपनी ताकत और बढ़ाने के लिए नए नए एडवांस और हाईटेक कदम उठा रही है। भारतीय सेना से पुराने रूसी T-72 टैंकों को बाहर किया जा रहा है, इसकी जगह पर फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल ले सकते हैं। आर्मी करीब 57,000 करोड़ रुपए के मेगा प्रोजेक्ट का प्रपोजल सरकार को देगी। इसके तहत आर्मी में 1,770 FRC-20 शामिल होंगे। पहले फेज में सेना में 590 FRC-20 शामिल होंगे। इस कॉम्बैट व्हीकल में टॉप अटैक प्रोटेक्शन सिस्टम होगा, जो ऊपर से गिरने वाले बम ड्रोन से क्रू को सुरक्षित रखेगा। FRCV में लेजर वार्निंग सिस्टम, डायरेक्शनल स्मोक डिस्पेंसर जैसी सुविधाएं भी होंगी। इसके अलावा इसमें हार्ड किल सिस्टम होंगे, जो किसी भी तरह के हवाई हमले को हवा में ही मोड़ देंगे। इस टैंक के चारों तरफ ऐसा कवच लगा होगा जो 15 किलोग्राम TNT के बारूदी सुरंग को भी बर्दाश्त कर ले। इसके अलावा इसमें मॉड्यूलर आर्मर लगे होंगे जो बारूदी सुरंगों को उखाड़ फेंकेगा। इस टैंक में कोएक्सियल मशीन गन, एंटी एयरक्राफ्ट मशीन गन, रिमोटली कंट्रोल्ड वेपन सिस्टम, फायर कंट्रोल सिस्टम भी होगा।